वाजपेयी जी से कि पति शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित करें मिस्टर मिस्टर अनुपम कुमार जी। मैं तो एकदम पूरा स्टाफ का सब सहयोग, मैं जब अंदर देने जा रहा था मैं बोलो मुझे कितना मोटिवेट किया, मुझे लगा कि शायद तो लाइफ में पहली बार एक तो खाना से आप होटल में ले जाना बहुत बड़ी बात थी। और सर जानते हैं पूरा सहयोग जो रहा ना, मैं अंदर इतना घबराया था कि अब सर बैठे पूरा परिवार का सहयोग रहा ना सर। फिर अंदर गया तो मुझे कब 10 मिनट या 15 मिनट भी देखे चला, मुझे पता तक नहीं चला। तो सर बहुत अच्छा रहा वो इंटरव्यू मेरा, सेम वैसे भी गया फाइनल। सर यहाँ देखिए सर, आपकी तालियों की हमें बहुत जरूरत है। जैसे कि अभी सुल्तान जी ने कहा था कि ये तालियां आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथियों के लिए भी है। तो आपकी तालियां अगर बजती रहती है तो ये तालियां बाहर लग जाएंगी। आज आप बना रहे हैं सर आपके लिए, मैं बुलाना चाहूंगी सेंटर फॉर एडमिशन के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन टेल
कि किस तरीके से अपने एम्बिशन को अचीव किया जा सकता है। मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2007 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। उसके बाद पिछले 12 साल से और अभी भी मैं एज ए मैनेजर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, प्लस मैंने MBA भी किया हुआ है। मेरी जो स्टोरी थी, मैं सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मेरी शादी 2012 में हुई, बट ड्यूरिंग द जर्नी होल जर्नी आफ्टर इंजीनियरिंग एंड MBA एंड उसके बाद जो मैं सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही थी कि कहीं कुछ फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से जो कनेक्टेडनेस होती है, जो हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सेंस ऑफ रिकग्निशन होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, जो सिविल एक्सपीरियंस को या सिविल सेवा में जो लोग जाते हैं उनको जो सोसाइटी से सम्मान और रिकग्निशन मिलता है, वो चीज़ मुझे IT इंडस्ट्री में नहीं मिल रही थी। वही मेरा एक बहुत मोटिवेशन का कारण था कि मैं सिविल सर्विसेज को भी तैयारी करूँ। और कहीं ना कहीं बचपन से मेरे दिमाग में था कि मैं करूँ, मगर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे या गाइडेंस नहीं था टाइम के, जिसकी वजह से मैंने अपनी प्रिपरेशन करीब 2014-15 में स्टार्ट करी। और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश पीछे 2016 में असिस्टेंट कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार कॉपरेटिव में सेलेक्ट हुआ हूँ। साथ में इसी साल बिहार PCS में मेरा 164 रैंक आया है और वहाँ पे भी मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स का पोस्ट मिला है। तो अब हमारे सारे फ्रेंड्स ने सारी बातें कही, सारे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, कोई मैगजन डॉक्स से है, कोई यार कॉपरेटिव पे ऑलरेडी हैं, आप कुछ बड़े हैं जो DSP करते थे, सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। मगर मैं कुछ मिथ जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में कुछ मिथ होते हैं जो जनरल परसेप्शन में दिखते हैं, होता क्या है कि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जैसे सिविल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे, तो हाईली प्रोबेबल कि आउट ऑफ 100 आपको 95-96 बच्चे वो मिलेंगे जो क्लेम्स में मेंस में या इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं फेलियर उनको मिला होगा। तो जब आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो वो कुछ ऐसे मिथ समहाउ अनइंटेंशनली जनरेट करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मतलब सिविल सर्विसेज को बीट करना एक आसान काम नहीं है। तो एक मिथ जो बच्चों के सामने आता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि अगर सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मोटिवेटेड रहते हुए तैयारी करेंगे और फोकस होकर तैयारी करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जो IAS PCS के बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो 12-18 घंटे पढ़ते हैं, जबकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और मैंने कई फ्रेंड्स जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों का जो मैंने फीडबैक देखा, उन्होंने भी बताया कि 12-18 घंटे की जरूरत किसी को नहीं होती है। तो आप लोग जो भी जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या ऑलरेडी 1-2 साल का प्रीलिम्स और मेंस अटेंड कर चुके हैं, आप लोग ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि कहीं भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं होता। अगर आप स्मार्टली 4-6 घंटे ऑनलाइन एवरेज डेली पढ़ते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, एक भी दिन लॉस नहीं करते हैं, थोड़ी चीज़ें सोचनी होती हैं, कहीं आपको शादी में जाना होगा, इवेंट पे जाना होगा, बट कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए और 4-6 घंटे की रेगुलर स्टडी, इससे काम हो जाता है। और रही बात गाइडेंस की, तो जब आप इतने सीनियर लोगों के इंटरेक्शन में रहेंगे, जैसे अमित सर है, उनको इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे लोगों को उन्होंने सिलेक्शन के गाइडेंस दी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो ऐसे लोग वो चीज़ आपको बताएंगे जो आप 2-4-6 अटेम्प्ट लगा के सीख पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही गाइडेंस के अंदर में चले और उस गाइडेंस को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। होता है कि जब भी आप किसी टॉपर की स्पीच सुनोगे तो लोग बता देंगे यार ऐसे पढ़ना है, वो बुक्स ले लेना और इस तरीके से स्टडी प्लान बना लेना, प्रीलिम्स में ये कर लेना, मेंस में ये कर लेना, इंटरव्यू के लिए इस तरीके से कर लेना, हो जाएगा। बट होता क्या है कि आपको पता है करना क्या है, बट जब बात आती है इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की, एक्सिक्यूट करने की, तब कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल आलस होता है या फिजिकल आलस होता है या जो सोशल चैलेंजेस होते हैं, हम उनके सामने थोड़ा थोड़ा ढीला करने लगते हैं, उस चीज़ को नहीं होने देना। इम्प्लीमेंटेशन करते समय आपकी प्लानिंग आपने बनाई, आपको गाइडेंस मिला, स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो आप ग्राउंड पे एक भी दिन लूज नहीं करेंगे। डेली इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करिए, डेली इतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करिए कि आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिले। और बाकी चीज़ें जैसे मोटिवेशन, कई बार आपको लो फील होगा, ऐसा लगेगा यार ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे हमारे भाई पाटिल जी ने बताया कि वो बिल्कुल ही ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, हमारे मित्र यहाँ पे DSP आशुतोष यादव जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी पूरे किसान परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, उनके पिताजी किसान हैं, और उन्होंने जो अपनी स्टोरी मुझे बताई तो मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ। मुझे लगा ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं कि आप गाँव में रह के
या कम गाइडेंस हो गया या फाइनेंशियल चीजें अगर आपके पास सुविधाएं नहीं मतलब तो आप आईएएस या पीसीएस नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। आप सही तरीके से मोटिवेटेड रहकर कॉन्टिन्यूस तैयारी करें। मोटिवेशन एक अपार रहती है, सिंपल बच्चों का होता है। कभी भी आप आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन उन बच्चों का नहीं होता है जो बहुत बड़े घरानों से हैं, दादी की घर, उनको जरूरत ही नहीं है, ना वो तैयारी करते हैं, ना उनको इंटरेस्ट होता है, ना उनको जरूरत होती है। सब मध्यम वर्ग के बच्चे जिनके यहाँ चैलेंजेस होते हैं, जिन्होंने जीवन में किसी ने किसी सोशल या इकोनॉमिक चैलेंजेस झेले होते हैं, वही बच्चे आईएएस प्रिपरेशन करते हैं या इनको सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, पूरे गाइडेंस और स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करें ताकि कम से कम टाइम में सक्सेस हासिल करें। और दिस इज ऑल ऑल समरी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे फैकल्टीज हैं, यहाँ पे आपने मेंटर डायरेक्टर अमित सर हैं, इन लोगों के गाइडेंस में जब आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो जो उनके पास हजारों बच्चों का सक्सेस स्टोरी है, उनके उनके जो चैलेंजेस आते हैं उसको देखने के बाद आप उनसे निचोड़ लीजिए। मतलब ये नहीं कि आपको गलती करने के टाइम नहीं है, आप एक गलती जैसे मैंने कोई गलती करी, मैंने पहले दो बार में मेन्स में अच्छे से ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चूज किया तो मैंने दो साल मेन्स के लिए खराब कर दिए। तो आपको क्या करना है, जो एक्सपीरियंस है, जो गाइडेंस है, उसका सही निचोड़ निकाल के एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट नहीं आप सक्सेस दे सकते। दिस इज ऑल, और इससे मोटिवेटेड इससे हैप्पी और अपनी सब चीजें बैलेंस करके सक्सेस लें। एंड थैंक्स टू टीम अगेन, थैंक यू सीनियर फैकल्टी। और हाँ, साथ में मैं स्पेशल मेरे पिताजी भी यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा सिंगम भी यहाँ पे है और मेरी बेटी भी है। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो लोग परिवार से कनेक्टेड हैं, जैसे मैं नौकरी भी कर रहा था मेरी फैमिली की, तो मेरी मोटिवेशन का जो एनर्जी था मेरे माता जी, मेरे पिताजी और मेरी पूरी फैमिली, ये लोग हमेशा मेरे साथ रहे और चैलेंजेस बहुत थे मगर मैंने होकर बताया। तो मैं इसके लिए भगवान का थैंक और भगवान का थैंक बोलना चाहूँगा। क्योंकि फैमिली ही सब कुछ है, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर रोहित प्रकाश सेना जी को, कि वो भी अपने दोस्तों को हमारे पास आए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है समय के साथ, खासतौर पर उस मंच पर जहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, मेरे पापा मौजूद हैं, अमित सर हैं, एस पी सिंह सर हैं, वाजपेयी सर हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लाइफ में मतलब मोल्ड किया है, जैसे एक स्कल्पर होता है ना, वो पत्थर को मोल्ड करता है। तो कॉलेज के टाइम से सर साथ हैं, सर हैं, तो इनके सामने मैं समझ नहीं आ रही थी एग्जैक्टली क्या बोल रही है। नीचे बात करूँ तो यहाँ पे जो लोग सिलेक्टेड है उनमें से कई से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जैसे आशुतोष सर है, इनसे तो मैं इलाहाबाद से इंस्पायर्ड हूँ कि इस एज पर भी वो डेडिकेशन सर के पास है, या पंकज भाई जिन्होंने डिफाइन ऑल ऑड्स सक्सेस अचीव करी, आशुतोष भाई हमारे अभी आप लोग सुन रहे होंगे। तो बहुत छोटे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ। बुक लिस्ट, कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सी कोचिंग जाना है, क्या करना है, कौन सा वेबसाइट जाना है, वो मल्टीपल आसानी से मिल जाता है, ये वाली किताब पढ़ लिखनी पढ़नी है, ये किताब उस चीज़ में पढ़नी है। पर एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तैयारी में जो आपको ड्राइव करेगी वो होती है ऑनेस्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ऑनेस्टी, ईमानदार। और किससे ईमानदार, बाहर वालों को तो आप बेवकूफ बना लेंगे, मतलब पापा कह रहे हैं कि आप बच्चा दो घंटा किताब लेके बैठा मतलब पढ़ रहा है, पर ये आप जानते हैं कि दो घंटा आपके हाथ में किताब है लेकिन आपका दिमाग कहां पर है। एक बार प्रेजेंट हुआ है क्लास में, पापा देख रहे थे पढ़ रहे क्या कर रहा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑनेस्टी, खुद से ईमानदार रहे, क्योंकि खुद को धोखा नहीं दे पाएंगे आप कि मैं दो घंटे से किताब लेकर बैठा तो हूं लेकिन उस दो घंटे मैंने चैप्टर पढ़ा या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा। सो ऑनेस्टी, जब आप में ऑनेस्टी होगी, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक मोटिवेशन। सिविल सर्विसेज करना है ठीक है, पर क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए, और मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मुझे पोजीशन है वो खुद में मोटिवेशन है, सामाजिक परिवर्तन है वो एक मोटिवेशन है, या अपनी फैमिली के लिए करना है वो एक मोटिवेशन है। लेकिन वो मोटिवेशन ऐसी चीज है जो अगर आपके पास है तो इस मुश्किल तैयारी में आपको ड्राइव करती रहेगी। दो महीना चार महीना लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ पा रहे, बोर हो रहे, थक रहे,
काम है। वो कहते हैं इस चीज के लिए हमने शुरू किया था और अब बीच रास्ते में उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ऑनेस्ट रहिए खुद से और एक मोटिवेशन ढूंढिए, बुक लिस्ट और बाकी सब चीजों के लिए सेंटर है, हर जगह आपकी मदद हो जाएगी, पर ये दो वैल्यूज खुद में जनरेट करिए। और यकीन मानिए कि आज अगर हम आपके सामने खड़े हैं और इस मोमेंट को फील कर पा रहे हैं तो कुछ ही समय बाद आप लोग भी यहाँ पर होंगे और उसी तरह से फैसिलिटेट हो रहे होंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ अमित सर का, एसपीसी सर का, वापे सर का और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में पापा का, जिन्होंने एक चीज क्लियर की कि हाँ भाई इसको ये बनाना है और अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं तो वो ठीक है उनको प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये पढ़ रहा है कि इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, इसको ये कोर्स करना है ये कोर्स कर रहा है, इसको लैपटॉप चाहिए लैपटॉप मिलेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स पूरा करते हैं। और ये तो ऋण पापा सभी मानते हैं कि कभी नहीं चुकाया जा सकता, तो हम जो भी करेंगे अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स का नाम ऊंचा करने के लिए करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबके आप सबको बधाई देता हूँ, सिलेक्टेड जो मेरे साथ हैं आप सबको बधाई, और जो पीछे सुन रहे हैं जो आगे आने वाले हैं उन सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आपकी तरफ से मैं गाना डेडिकेट करती हूँ सारे पेरेंट्स को, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैं बुलाना चाहूंगी फिर से हमारे वाजपेयी सर को कि प्लीज पब्लिश और मोमेंटो लेकर सम्मानित करें, इसमें कुछ तो जाए। Thank you so much to be on stage. थैंक यू सेंटर ऑफ
आयोजन के लिए। सबसे पहले मैं सेंटर फॉर एजुकेशन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसी भी सफलता को पाने या ना पाने के बीच में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट होती है संकल्प। हम कोई चीज करना क्यों चाहते हैं? दूसरी चीज होती है कि हम अपने संकल्प के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। अगर हम प्रतिबद्ध हैं और हम संकल्पित भी हैं तो हम उस प्रतिबद्धता को कितना बुरी तरह या कितना अच्छी तरह निभा पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और तीसरी बात होती है कि एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। सब आप पढ़े हो, सब आप बेहतर हो, बहुत अच्छे हो, और अगर आपका एग्जाम टाइम मैनेजमेंट खराब है तो भी कोई मतलब नहीं है। जब मैं सेंटर फॉर एजुकेशन के लिए मॉक देने गया, सर के बोर्ड में मेरा मॉक था, सर ने मुझसे उचित किसानों का लांग मार्च था, उन्होंने पूछा था कि भाई लांग मार्च क्यों है। मैं किसानों की समस्याएं बताता रहा, सर पूछते रहे, मैं बताता रहा, सर पूछते रहे, और लास्ट में उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल वकील बन गए हो, जितनी सब मैं पूछता जा रहा हूँ वह तुम बताते जा रहे हो। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, आपको थोड़ा कम बोलना है, संयम रखना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड मायने रखता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा बैकग्राउंड ही हमें मोरल सपोर्ट देता है कि हमें ये करना चाहिए। जब हम अपने बैकग्राउंड और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की सारी सीखों को फॉलो करते हैं तो कभी ना कभी हमें सबसे जरूरत मिलती है। ये मेरा पहला प्रयास था। 2014 में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और ये मैंने अपने पहले प्रयास में ही ये सफलता हासिल की है। ये कहीं ना कहीं मेरा मेरे माता पिता और अन्य सभी लोगों का आशीर्वाद है। मैं इसे अपने लिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं आया तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार कुछ तो बन जाओ, छोटा मोटा ही कुछ ले लेना चलेगा। लेकिन मैं फिर संकल्प था तो इसलिए मुझे याद आता है कि रात में सर ने एक बार उनका सुन रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने कहा था कि तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, पतवारों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर दिवाकर मिश्रा, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे बीच में सर। आपके कार में जमुआई आना चाहिए,
है कौन कर रहा है कि किसी काम को करने के लिए पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और अनुशासन, ये चीज आदमी को महान बनाती है। धन्यवाद, मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। अंतिम वाक्य जी से पार्टिसिपेट करने के लिए मिस्टर मयंक मिश्रा जी, मिस्टर दिवाकर मिश्रा अलॉन्ग विद हिज फादर। जो उन्होंने संघर्ष के दौर में हमेशा साथ दिया और गुरु के रूप में अमित सर
और कुम्हार का संबंध, मेरा और अमित सर का ऐसा ही कुछ संबंध है, कच्ची मिट्टी और कुम्हार का संबंध। इन्होंने इसे सही आकार देने का कार्य किया है और आज इस समारोह में सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। मुझे नहीं लगता है कि सफलता के लिए किसी मूल मंत्र की आवश्यकता होती है या फिर कोई कोई मूल मंत्र दे दे तो हम उससे सफल हो जाए, और ना कोई शॉर्टकट है सफलता का, बड़ा कठिन परिश्रम करना ही है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक ये सिविल की तैयारी जो होती है आपको एक कंप्लीट मैन बना देती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट से आप एक बेहतर प्रबंधक बन जाते हैं। और मेरे मित्र ने पहले भी कहा कि रणनीति की बेहतर रणनीति अच्छी रणनीति की जरूर आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे लगता है कि कुशल रणनीतिकार भी बना देती है। सिविल की तैयारी के तौर पर आदमी कुशल रणनीतिकार भी बन जाता है। मेरा मानना है कि ज्ञान से नहीं रणनीति से सफलता मिलती है, एक बेहतर रणनीति ही आपको सफल बनाती है। ज्ञान तो मान लीजिए ज्ञान तो बहुत लोग पीएचडी होल्डर्स रिसर्चर्स ये जो भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर रणनीति से ही आप सफलता प्राप्त करते हैं। तो जैसे अब कहना क्या है, मेरे गुरु ने सारे मित्रों ने कह दिया है, और मुझे लगता है कि काफी लोग बचे नहीं है, पहले से काफी पहले से समारोह हो रहा है, टाइम काफी हो गया है, तो मुझे लगता है कि सिविल सेवा में सेलेक्ट होना डेयरिंग नहीं है, सिविल सेवा के फील्ड में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना वो डेयरिंग डिसीजन है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं आशुतोष 2016 पीसीएस में टीएससी के पद पर चयनित हुआ। इसके पहले कुछ कहूँ, सबसे पहले परिवार को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साक्षात्कार के समय जो एक टीम बनाई, जिससे हमको लगता है जितने भी लोग बैठे यहाँ पे सबको उसका लाभ मिला, तो सब चयनित हुए हैं। और मंच पे मेरी माता जी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, हमारे पुत्र बैठे हैं, मामा जी बैठे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप सब काफी देर से सुन रहे हैं। मुझे एक बात याद है कि मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें तो आज भी नहीं पता मैं क्या बना हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं घर से निकला तैयारी करने के लिए गाँव से बिलाई करता था तो एक उम्मीद जगाई। 2012 में परिवार फिर भी असफल रहा, फिर भी एक अति रेख हाँ हो जाएगा। 13 मैंने पहला मैच दिया असफल रहा, 14 में फिर मैच दिया असफल रहा, 15 में फिर मैच दिया असफल रहा, जाके 16 में अब मैं भी पीएचडी बना। लेकिन मेरी माता जी की उम्मीद हर समय बनी रहती थी कि नहीं हम लगे रहो सिलेक्शन होगा। तो मम्मी बैठी हैं और शायद मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में सबका सहयोग है, पापा हैं, मामा जी हैं, भाई हैं, इष्ट मित्र हैं, लेकिन एक वो व्यक्ति जिनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा और उन्हें ये भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें ये भी नहीं पता आगे सिलेक्शन होता क्या है, फिर भी एक उम्मीद बनाए वो खुद बनाए रखी और हमारे अंदर एक होता है बनाए रखी। मैं 2014 बैच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। 2015 लोअर पीसीएस में टैक्स ऑफिसर पंचायती राज के चयन हुआ, ज्वाइन अभी नहीं किया था, तब तक 16 में यहाँ पे आया। ज्यादा कुछ कहने क्या कहूँ, इस बार 2016 के रिजल्ट में लगभग 635 बच्चे सफल हुए हैं और मुझे लगता है 635 बच्चों के अपनी एक रणनीति है, इसकी कोई ये कहे कि एक रणनीति होगी मुझे नहीं लगता। साथ में राजेश भैया बैठे हैं, सौरभ जी हैं, हम लोग हम राजेश सर साथ में पार्टनर रहे, यही आगरा सर आपने सेंटर का बड़ी किया, दोनों लोग साथ में एक ही रूम में रुके, एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, साथ में मेस किए और एक ही पोस्ट पे डीपीएसपी पे हम लोग हो जाएंगे। सौरभ जी हैं, हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन था 5 लोगों का, 5 में हम 4 चयनित हुए, ललित जी नहीं आ पाए और एक चयन हो पाया। तो मुझे लगता है कि तैयारी में विशेषकर साक्षात्कार में एक जो ग्रुप बना कर दिया और एक निस्वार्थ भाव से टीम भावना से काम किया जाए, उसके एग्जाम्पल 3 लोग सामने हैं, सौरभ सिंह 8वीं रहे, मैं 36वीं रहे, राजेश जी 35वीं रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः विशेषकर अमित सर का, और इन्होंने जो साक्षात्कार में टीम बनाई, चाहे वो सोमेश सर हो, चाहे वो आलोक सर हो या सर हो, इनका विशेषकर हम ही इन सबको बहुत फायदा हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस संघर्ष की यात्रा में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। और ये संघर्ष रुका नहीं है, आप भी जारी है, हमको लगता है यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबका संघर्ष जारी है, आगे जारी रहेगा। धन्यवाद। राजेश कुमार
मिस्टर राजेश कुमार डिप्टी एसपी रैंक 35 जोरदार तालियों के साथ। लेकिन अगर मुझे रास्ता नहीं पता तो शायद मैं भटकता रहूंगा।
अमित सर वही मार्गदर्शक है जिन्होंने हम लोगों को उस ताजमहल का रास्ता दिखाया है जहां तक आज हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है, संघर्ष के बारे में बताया, मैं भी थोड़ा सा अपना संघर्ष बताता हूँ, शायद आपको उससे प्रेरणा मिले। मित्रों, जब मैं 6 साल का था मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माता जी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को अत्यंत ही गरीबी में पाला पोसा। ऐसी स्थिति थी कि शिक्षा तो छोड़िए, मतलब जीवन यापन करने के साधन नहीं थे, खाने पीने के भी लाले थे, लेकिन माता जी का संकल्प था कि बच्चों को न केवल पढ़ाना लिखाना बल्कि अच्छा माहौल बनाना है। और जिस तरह उन्होंने लगातार काम किया और आज उसका परिणाम है मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लगातार असफलताओं से मेरा भी सामना होता रहा, लेकिन मित्रों के साथ, गुरुजनों के साथ सब कुछ प्राप्त करते हुए, धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए और बेहतर करते हुए आज मैं जो भी छोटी सफलता प्राप्त किया हूँ इसको प्राप्त करके लगातार बड़ी सफलता के तक अग्रसर हूँ। मैं आप सबको भी कहूंगा कि संघर्ष कभी हारिएगा नहीं, लगातार संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि संघर्ष ही आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। दो लाइनें बोलना चाहूंगा, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार के करो मुसाफिर, हौसला मत हार के करो मुसाफिर, छोटे इंसान को चलना सिखाती है, छोटे इंसान को चलना सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, चंदा पाड़ा मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा अपना सुपर कर दिए, आपको आगामी जीवन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियों के बीच इस जो आपका एक कार्यक्रम हुआ, मतलब मेरा जो अपना अनुभव है कि हम लोग तैयारी करते रहते हैं और जो बच्चे बैठे हैं वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कभी भी आपको एक साथ 27 लोगों के साथ जो सफल हुए हैं इस तरह से बातचीत और अनुभव शेयर करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि चार साल भी तैयारी करते हैं,
एक मंच पे इतने सारे लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है और सब ने अपनी अपनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और हम लोग को भी सीखने को मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से हम लोग इसी तरह सीखते हैं। उन सबको मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो जहाँ वो पहुँचे हैं, अभी और आगे भी जाएँ और इसी अपनी स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह यहाँ तक आए हैं, बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएँ और बधाई इस सफलता के लिए। लेकिन जो दूसरी बात जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मतलब बच्चों का पिता हूँ, तो इस चीज़ के मैं मतलब उस चीज़ को समझ रहा था बैठे बैठे कि जो पेरेंट्स हैं कि उनको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बच्चा चाहे असफल हो रहा है या सफल हो रहा है लेकिन उन्हें उसके साथ हर तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उसकी उसको प्रोत्साहित करना पड़ता है। और ये पेरेंट्स जो हैं उन्होंने जो सालों मेहनत की है अपने बच्चों को आगे लाने के लिए, ये आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि उनके सामने उनके बच्चों ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है और वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें उनसे भी सीखना चाहिए कि किस तरह समाज में, क्योंकि बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है भारत में भी कि परिवार में बच्चों का लालन पोषण और सही दिशा में ले जाना, ये इनसे सीखने की हमें ज़रूरत है। और ये सब मौका हमें जो सेंट्रल फॉरन मिशन ने हमें दिया है, मैं समझता हूँ कि अमित जी की जो सबसे खास बात है वो कि ही इज़ वेरी इनोवेटिव। अब मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने आप लोगों को मिलाया, मुझे खुद ही पता नहीं कि अगली बार कौन सा नया विचार लेके आएंगे, बट व्हाट एवर इट मींस इट विल गिव बेनिफिट, इट विल मेक यू लर्न समथिंग कि जिससे आप इस कॉम्पिटिशन के माहौल में सफल हो सकें। कुछ नए बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि जो 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 मुझे लगता है कि गंभीर बात है वो ये है कि आप कितना भी सीख लें, कितना भी पद पा लें, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो विनम्रता, आप ह्यूमिलिटी जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, तो विनम्रता बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी से पता चलता है कि अभी आप और सीखेंगे, लेकिन ह्यूमिलिटी अगर खत्म हो गई विनम्रता तो इसका मतलब है कि आप ना सीखना चाहते ना सीखेंगे। तो विनम्रता अपने ज्ञान के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति बहुत जरूरी है आप अगर आओ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज जो है कि हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे कोचिंग के संस्थान भी चलते हैं, आपकी कोई भी स्टडी हो सकती है, जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी स्टडी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो मैं पाता हूँ कि IAS और PCS बनने के लिए, क्योंकि आपको जिस पद पर सिलेक्ट किया जा रहा है वो पद डिसीजन मेकिंग का पद है, आप लड़के पद पर नहीं जा रहे हैं कि कर्म और इधर से उधर रोड बना के ले गए कार चला लो, वो आपकी विश्लेषण विश्लेषण क्षमता कि कभी नहीं कोई सिचुएशन है तो क्या उसके सभी पहलुओं को आप समझ पाते हैं, वो क्या चीज है, वो दूसरी चीजों को कैसे प्रभावित कर रही है या दूसरी चीजों से वो कैसे प्रभावित है, तो विश्लेषण की क्षमता अपने से काम नहीं चाहिए। अगर आप रख के किसी तरह से विश्लेषण पा ली है तो आप अच्छे अच्छा नहीं रह सकते, अच्छे अच्छा वही होते हैं जो नए सिचुएशन को विश्लेषण करके उसका सही रास्ता निकालते हैं और उन्हीं को अप्रिसिएशन किया जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि जब आपको जिसे मैं उदाहरण देता हूँ कई बार, जिसके लिए एंटी सरकार ने इंडिया लॉन्च किया हमारे इसरो में, तो हम लोग सभी इंडियन में पढ़ते हैं और डेट याद रख लेते हैं कि एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया, कितने वजन का दही भी रख लेते हैं, फिर क्या भी जानने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है, इसका हम आगे क्या उपयोग कर पाएंगे, ये कैसे उठते हुए सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से टकरा के डिस्टर्ब क्या है, इस तरह की दृष्टि रखना एटीट्यूड रखना ही TCS और IAS अधिकारी ले सकते हैं और वही वो आपसे अपेक्षा करते हैं और उस पर आपको ध्यान देने के लिए। दूसरी चीज़ है किसी यहाँ पे आए थे अभ्यर्थी, उन्होंने कहा था राइटिंग, क्योंकि देखिए वहाँ पर परीक्षा होती है, हम क्या देखने में कैसे हो, बोलने में कैसे हो,
कॉपी मोड़ दी है जो हम कॉपी में लिख के आए। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, प्रश्न का ढांचा उत्तर का ढांचा अच्छा होता है, आपकी स्पेलिंग सही होती है और कुल मिला के आपका ज्ञान भी, अगर आपने वो चीज पढ़ ली और लिख ली तो भूलेगी भी नहीं उसकी। राइटिंग में समय परफेक्ट राइटिंग को विशेष ध्यान देना है। और अब मैं सारे इतने साल पढ़े आए भाई को और उन लोगों को जिनको हम लोग दिसंबर के साथ मिले थे इलाहाबाद में, आपको व्यवहार में भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो लोग सफल हुए हैं यहाँ आए हैं उनका स्वागत है, उनको बहुत बहुत बधाई, साथ में उनके पेरेंट्स को और अमित जी को जिन्होंने धन्यवाद जिन्होंने प्रणाम किया और हमें सम्मान किया। थैंक यू। आदरणीय डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी जी, सेंटर फॉर एम्बिशन के डायरेक्टर श्री अमित सिंह जी और उनकी अत्यंत क्षमतावान ऊर्जावान टीम, आज की शाम के जयपुर सताए प्रतियोगी परीक्षा में सफल सिविल सर्विसेज के युवा अधिकारीगण और बहुत सारे सेंटर फॉर एम्बिशन के विद्यार्थीगण, पूर्णहार विद्यार्थीगण जो सफलता के पथ पर अग्रसर है। टर्की की एक बहुत ही प्रख्यात उपन्यासकारा है एलेन शफक, और एलेन शफक कहती है कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है। एक कथाकार होने के नाते वो कहती है कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व जो है वो कथा है। प्रत्येक जीव इस सतत रूप से परिवर्तनशील ब्रह्मांड में अपने अंदर अंतर्निहित संभावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। और आज की शाम वाकई मेरे लिए बड़ी अविस्मरणीय शाम थी जब इतनी सारी 27 कहानियां मुझे सुनने को मिली, और ये कहानियां थी साहस की, निश्चय की, निरंतरता की, बहुत सारी असफलताओं और विपरीत परिस्थितियों के बीच संघर्ष की जिजीविषा की। और वास्तव में इन कहानियों का सुनना आपको उदात्त बनाता है, ये बताता है कि सतत रूप से प्रयास यदि किया जाए तो अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ये वाकई समय था जबकि हमने हम सम्मानित कर सके होते हुए देख सके आदरणीय परिवारजनों को जिनके साहस और सहयोग के द्वारा ये कहानियां संभव हुई हैं, क्योंकि कोई भी कहानी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, कहानी अन्योश्रित होती है, परिवारजनों पर, साथियों पर, मित्रों पर। और यहां इन कहानियों के मध्य में जो एक कॉमन सूत्र था वो था सेंटर फॉर एम्बिशन। सेंटर फॉर एम्बिशन वो एक कॉमन कड़ी थी जिसके द्वारा ये सब कहानियां एक सूत्र में पिरोई गई थी। और मैं वास्तव में सेंटर फॉर एम्बिशन और अमित जी को इसके लिए और उनकी अत्यंत ऊर्जावान और क्षमतावान टीम को साधुवाद देना चाहता हूं। आज अमित जी को एक टाइटल मिला जामवंत का, और सचमुच कभी कभी जब व्यक्ति संघर्ष के बीच में होता है तो आवश्यकता होती है एक मेंटोर की जो उसकी क्षमताओं में विश्वास कर सके और ये बता सके कि वास्तव में ये लक्ष्य, अभीष्ट लक्ष्य उसकी पहुंच से परे नहीं है। आवश्यकता होती है उन कुशल मार्गदर्शकों की, जब हमारी क्षमताओं की सीमा रेखा तक हम पहुंच जाते हैं तो वे सीमा रेखा का व्याघात कर सके और सीमा रेखा से परे जाकर कार्य करने का साहस और मार्गदर्शन हमें प्रदान कर सके, हमें कुशल मार्गदर्शन कर सके कि हम किस प्रकार से रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें ताकि सफलता हमसे दूर ना रहे। और सचमुच इसलिए मैं न सिर्फ बधाई देता हूं उनको जिनकी आज सफलता को हमने सेलिब्रेट किया है, वरन मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत सारे उन युवा विद्यार्थियों का जो सेंटर ऑफ एम्बिशन के कुशल मार्गदर्शन में परिश्रम कर रहे हैं
और मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र ही अपना नाम जो है वो रोशन करेंगे, उनकी सफलता भी अविस्मरणीय होगी। और इसी के साथ मैं वास्तव में शाम को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे युवा अधिकारी अपनी इन विकसित क्षमताओं का राष्ट्र निर्माण में, लोकतांत्रिक परंपराओं के आगे बढ़ने में, समतामूलक और न्याय संगत समाज की स्थापना में अपनी जब वो क्षमताओं को विनियोजित करते हैं वो वास्तव में एक सार्थक योगदान दे सकेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। अभी तक हम लोग सभी लोगों को सुन रहे थे और उनके विचारों को हमने सुना। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जितने लोगों ने प्रतिभाग किया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने अतिथिगणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये शुरुआत हमने दिसंबर में की थी, जब पहली बार हमारी मुलाकात इन सभी 50 अभ्यर्थियों से हुई थी, प्रतियोगी अभ्यर्थियों से हुई थी जो अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे। जब वहाँ पर हम गए तो 3 से 4 दिन का हमारा सेशन था, 3 से 4 दिन हम लोग वहाँ रहे, काफ़ी मेहनत की। साथ ही साथ हमें बहुत अच्छा लगा कि जो लोग हमारे साथ हमारे यहाँ पर इंटरव्यू देने आए वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्हें उसी तरीके का माहौल दिया गया जिस तरीके का हमारे आयोग में माहौल दिया जाता है। जब 3 से 4 दिन उनके 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज़ कराए गए, कई लोगों ने वहाँ पर ये भी कहा कि हमारे और इंटरव्यूज़ कराइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनके फिर से हम लोगों ने इंटरव्यू कराए। एक दिन हम लोगों को एक्सटेंड करना पड़ा अपना वहाँ प्रोग्राम, इतना बढ़िया हम लोगों का सेशन चल रहा था। जब अंतिम दिन था तो सभी अभ्यर्थी, सभी जो इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आए थे हमारे यहाँ पर, सभी लोग इकट्ठे हुए। उसी दौरान हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, लास्ट में कुछ क्वेरीज थी हमारे एक्सपर्ट से, जो हमारे सभी जिन लोग इंटरव्यूअर्स ने हमें पूछे उनसे, उसके बाद जब लास्ट दिन था तो हमारे बड़े भाई सेंटर फॉर मिशन के डायरेक्टर श्री अमित सिंह जी ने वहाँ पर एक वादा किया था कि हमारे यहाँ जितने भी अभ्यर्थी आज इंटरव्यू सेशन में भाग ले रहे हैं उनमें से जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देगा, जिसकी सबसे अच्छी रैंक आएगी, उसे अपनी तरफ से एक 4-व्हीलर गाड़ी जो है वो गिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर बधाई देता हूँ मैं सौरभ जी को कि उनकी रैंक सबसे अच्छी है, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा कि वो की लाई जाए महिंद्रा XUV 300 जो कि सौरभ जी को गिफ्ट की गई है, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर ने अपना वादा पूरा किया, जैसे कि हमेशा अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं, ये भी वादा पूरा किया। और अब की बार कोशिश करूंगा कि हम पकड़े अपने हाथों में। थैंक यू। बहुत बहुत Yes. Your journey organized by Trip Up Holidays, an event organized by Unifilm Solutions. अभी हम सब एक फ्लैश और लेने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव अब आ रहे हैं और ये कैसा मौका भी हम सब लोग इकट्ठे हैं, तो आज हम एक चुनाव के लिए वोट करने के लिए सब लोग मिलकर के शपथ लेंगे। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हम अपने देश को सशक्त और
पीछे हो आप लोग भी खड़े होकर शपथ ले लीजिए सभी लोग खड़े हो जाएं प्लीज कि मतदान का अधिकार हम सभी का है मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जय हिंद जय हिंद जय भारत धन्यवाद सबको वोट कर लीजिए कहाँ कर रहा है स्टॉप यार रुको वेट ओके हेलो Thank you.